12 बरसी खटन गया सी खट के लिया पटाका। आवर्स अकेडमी का रिजल्ट ने शहर में पूरा एक तरफा कर दिया धमाका। एग्रीकल्चर का रिजल्ट आ लिया है या गरीब बिखा दिए नाच नाच के रंग का मैं अंजमा नू लाल पीड़े हो लिए और कमाल कर दिया है। रोटी राटी खाई थी कौन खाई थी कौन नहीं खाई? चलो कोई बात नहीं, एक बारी रुका मार के दिखाओ कितनी खुशी है। ये दोनों हाथ ऊपर उठा के ये भाई कमाल कर दिया। बाजन जो और चालन जो भाई साहब क्या बात है, आज तो खुशी का दिन है, खुशी का दिन, क्या बात है, क्या बात है, ये देख लो भाई। हरियाणा पुलिस भी आ लिया इस खुशी के में सभी को लिए, या देख लो। और इस साइड सुरेंद्र पुनिया क्या बात है, कमाल हो गया। सुनो भाई सुनो, बारी बरसी खटन गया सी कीने कीने सुनिया। जिसने रिजल्ट से दुनिया हिलाई वो हमारा इंजीनियर सुरेंद्र पुनिया। देख लो भाई इस साइड लुकड़ की जरूरत नहीं है, पुनिया साहब उड़ा लो। मैं एक बात क्या करूं कि सर की तकड़ी सेटिंग है, सर सेटिंग तो है, कमाल कर दिया, इतना रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट, कमाल हो गया। सेटिंग की जरूरत है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये वर्ष के जो स्टार आपको नजर आ रहे हैं ये मेरे दोस्त आपको नजर आ रहे हैं ऐसे ही नहीं है भाई, ये पूरी वर्ष की टीम और इन बच्चों की मेहनत है जो रिजल्ट आ रहा है। सर एक बात बताओ, कौन सी कैटेगरी में कौन सा रैंक आया है शहर में? एक तरफा माहौल तो आपने बना दिया है, दिखा दिया, चाड़ा पैट दिया है, हद कर दिया, कमाल कर दिया, धोती पैट के रुमाल कर दिया है। चलो ये तो अवर्स अकेडमी की टीम और उनके जो बच्चे उनकी अथक मेहनत का प्रयास है। तो और रही बात रिजल्ट की, 10th बेस एग्रीकल्चर में फर्स्ट रैंक पे साहिल मलिक बच्चा है, जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है, और सेकंड हमारा जो बच्चा है वो एससी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है, आर्यन नाम से बच्चा है, तीसरा जो बच्चा है वो भी फर्स्ट रैंक पे है। वन श्रेणी बीसीबी का माहौल बनाना जरूरी है, बड़कन शायद सुना नहीं है, बड़को एक बार ध्यान से सुन लो, कौन सी कैटेगरी में कौन सा रैंक आया है और किलकी गेले चलनी चाहिए, मारोगे के सारे तो पहले पहला रैंक बताओ। साहिल मलिक बच्चा फर्स्ट रैंक, 91 नंबर, एचआई यूनिवर्सिटी में टॉपर। दूसरे नंबर पर इसमें बीसीबी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक, 1 श्रेणी, 90 नंबर। तीसरा है हमारा आर्यन बच्चा है, एससी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक, 87 नंबर। और यही बच्चे अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, जनरल की रैंक की बात करूं तो फर्स्ट रैंक जैसे साहिल है, सेकंड रैंक पे हमारा 1 श्रेणी है, थर्ड रैंक पे हमारा जो बच्चा है वो आर्यन है, तीनों बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरल में और अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक इन तीनों बच्चों। कहने का मतलब ये है मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। मजा आया नहीं आया? इन लोगों नू भी बेरा पट गया हुआ, कौन सी अकेडमी में जाना चाहिए?
ठीक है भाई, कहने का मतलब जी। अगर कोई यूँ कहता है अभी रैंक में कोई गड़बड़ करते हैं या जो भी चीज़ है, कल सभी बच्चे जितने भी यूनिवर्सिटी में 55 सीटें हैं, 40-45 बच्चे जो भी सिलेक्ट होंगे, सब बच्चों के विद पेरेंट्स यहाँ प्रोग्राम होगा। कोई भी सारे पूरे हरियाणा से कोई पेरेंट्स आके उनसे रूबरू हो सकता है। कल को ये ना हो कि भी ये सिलेक्शन फेक है या ये है, ये खुल के खुला चैलेंज है वर्ष अकेडमी का। लेकिन कमाल की बात है सर, हरियाणा एचएयू के अंदर है इतने सारे बच्चों का और सिर्फ आवर्स अकेडमी का पहुंचना। ये कोई कमाल आज पहली बार नहीं हुआ है। आवर्स तो पीछे आप 2008 से देखोगे तब से कमाल करती आ रही है और इसे बढ़िया बढ़िया कमाल और भी करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्ष की टीम है ने वाक्य में कमाल कर दिया है, रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट दे दिया है भाई। कमाल ही करती है, चक दो फटे अरे धुमा ठा दो पूरे शहर ने पूरे हरियाणा ने मेरा पटना चाहिए कि सारे तक गणा रिजल्ट जो है वो जबरदस्त आवर्स अकेडमी का है, जिसने हर कैटेगरी के अंदर टॉपर दे दिए हैं। 1-1 यानी कि फर्स्ट नंबर का रैंक दे दिया है और उसके नीचे तो जिक्र की है जवान उतावड़ तोड़ खूब बालक है जो से आगे एचएयू में जाऊंगे, बीएससी एग्रीकल्चर में जाऑंगे और बड़े बड़े डॉक्टर पाकेंगे, ऑफिसर लागेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।